चैनल सिंह स्पीक्स। और आज हम फाइनली जगन्नाथ पुरी आ चुके हैं टेंपल दर्शन करने के लिए। हम संडे को मतलब दो दिन पहले दर्शन करने वाले थे, संडे को डिसाइडेड था, लेकिन हमें यहाँ आके पता चला कि संडे को बंद रहता है टेंपल कोविड केसेस की वजह से। तो आज हम फाइनली जगन्नाथ पुरी के दर्शन करने आए हैं। रात के बज रहे हैं 8 और 8 से 9 के बीच में कम भीड़ होती है ऐसा बोलते हैं, इसलिए हम लोग 8 से 9 के बीच में आए हैं। आइए चलते हैं। ये हम जा रहे हैं दक्षिण द्वार की तरफ, और क्योंकि इस टाइम पे दक्षिण द्वार जो बहुत सारे गेट्स हैं यहाँ पे, तो हमें वहाँ से एंट्री मिलेगी। और मेन जो डोर है वो होता है सिंह द्वार, तो ऐसा बोलते हैं कि उस बिग गेट से हमको ज़रूर जाना चाहिए, बट अभी हम इस टाइम जा रहे हैं तो हमें वहाँ से एंट्री नहीं मिलेगी। जगन्नाथ टेंपल उड़ीसा के पुरी सिटी में सिचुएटेड है, और ये वन ऑफ द 4 धाम पिलग्रिमेज साइट है। जो हमारे इंडिया में 4 धाम है उसमें से एक माना जाता है और बहुत इम्पॉर्टेंट होली प्लेस है। यहाँ जो एनुअल चैरियट फेस्टिवल होता है, जिसे हम रथ यात्रा भी बोलते हैं, उसके लिए भी बहुत फेमस है और लोग दूर दूर से ये देखने आते हैं। और वैसे तो ये लॉर्ड कृष्ण को डेडिकेटेड है, लेकिन यहाँ पे उनके साथ साथ उनके भाई बलभद्र और उनके बहन सुभद्रा, उनकी भी मूर्तियाँ हैं। और ये सारी मूर्तियाँ लकड़ी की बनी हुई हैं, जो हर 12 साल में बदली जाती हैं। इसके पीछे भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं, उनमें से एक ये भी है कि जब कृष्ण जी यहाँ पे थे हम सबके बीच में, तो जब उन्होंने अपने बॉडी को त्यागा था, तो उनका जो जब पांडव ने उनका अंतिम संस्कार किया था, उनके लास्ट राइट्स परफॉर्म किए थे, तो उनका पूरा शरीर जल गया था, पूरी बॉडी जल गई थी, बट उनका जो हार्ट था वो नहीं जला था। यूजुअली ऐसा होता है कि जब कोई जाता है तो उसकी हार्ट बीट भी चली जाती है, रुक जाती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था उस टाइम पे। ये थोड़ा सा सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन यही सच है। और ये तब की बात है जब द्वापर युग में कृष्ण जी ने ह्यूमन फॉर्म में अवतार लिया था, और ये सब देख के पांडव भी काफ़ी सरप्राइज्ड हो गए थे कि ऐसा कैसे हो गया। तभी एक फोरकास्ट हुआ था उस टाइम पे कि ये जो हार्ट है वो ब्रह्म का हार्ट है, और इसको नदी या सी में डाल दिया जाए। तब पांडवों ने श्री कृष्ण के हार्ट को सी में बहा दिया था, और वो बहता हुआ एक जब वो बह रहा था तो एक उसके लकड़ी के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो गया था, और बहते बहते वो उड़ीसा के जो सी शोर है वहाँ तक आ गया। और उसी रात को कहते हैं कि वहाँ के जो किंग थे, वहाँ के जो राजा थे इंद्रद्युम्न, उनको श्री कृष्ण ने सपने में दर्शन दिया था और कहा था कि सीशोर पे एक लकड़ी के लट्ठे के फॉर्म में वो वहाँ पे हैं। तो मॉर्निंग में ही जैसे ही वो उठे वैसे ही वो वहाँ बताई हुई जगह पे पहुँचे, और अपने उस लकड़ी के जो छोटा पीस था जो बह के आया था उसको अपने साथ ले गए। और ऐसा कहा जाता है कि इसी लकड़ी के टुकड़े से भगवान श्री जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा जी की जो मूर्ति है वो विश्वकर्मा जी ने बनाई थी। और ये मूर्ति बनी कैसे, उसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जो मैंने जैसे बताया कि विश्वकर्मा जी ने बनाई थी, द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, बट वो उस टाइम पे इंद्रद्युम्न के सामने वो विश्वकर्मा जी बन के नहीं, बल्कि वो एक बूढ़े ब्राह्मण के फॉर्म में आए थे, और उन्होंने उनके सामने एक शर्त रखी थी कि वो ये मूर्ति बनाएंगे, लेकिन वो एक बंद कमरे में बनाएंगे, और वो कमरे में तब तक कोई आएगा जाएगा नहीं या कोई झांकेगा नहीं जब तक वो मूर्ति कंप्लीट नहीं कर लेते। तो इंद्रद्युम्न ने वो उनकी बात मान ली, लेकिन एक बार क्या हुआ कि वो काफ़ी टाइम हो गया और अंदर से कोई आवाज़ आना बंद हो गई,
उस कमरे से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। तो फिर इंद्रद्युम्न ने क्या किया कि उस कमरे के दरवाज़ा खोल दिया। तो जब जैसे ही राजा ने ऐसा किया, जैसे ही वो इंद्रद्युम्न ने ऐसा किया, तो जो विश्वकर्मा जी अधूरी मूर्ति बनाकर ही छोड़ के चले गए। इसीलिए आज तक जब भी आप अगर मंदिर विजिट करोगे तो जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा तीनों की मूर्तियाँ अधूरी हैं, दो तीनों की मूर्तियाँ हाफ ही बनी हैं, पूरी नहीं बनी है। और जितनी 12 साल में भी जब बदली जाती है तो वो उतनी ही बनाई जाती है। और इसीलिए कहा जाता है कि श्री कृष्ण का जो हार्ट है वो आज भी यहाँ पे है, और उनकी जो मूर्तियाँ है, मूर्ति है उस पे, उसके अंदर वो है, हार्ट है, और वो आज भी हार्ट बीट है उसमें, और आज भी धड़कता है उनका। और ये सोच के ही बहुत अजीब भी कहेंगे और बहुत अच्छा भी लगता है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिंग स्पीक्स। और आज मैं फिर से सुबह, कल मैंने जगन्नाथ जी के दर्शन किए और आज फिर मैं आई हूँ दर्शन करने के लिए सुबह सुबह। और हम ये जो है 5:30 बजे हम लोग यहाँ पर आए थे, क्योंकि 5 बजे मंदिर ओपन हो जाता है, और विद इन 1 आवर हमारा दर्शन कंप्लीट हो गया। बहुत अच्छा दर्शन हुए। अंदर कुछ भी अलाउड नहीं है, फ़ोन कैमरा कुछ भी अलाउड नहीं है, आपको सब छोड़ के जाना पड़ता है बाहर ही। और लॉकर्स बने हुए हैं यहाँ पे, और वहाँ पे आपके पास जो भी सामान है वो आप रख सकते हो। और मेरी तो एडवाइस है कि आप होटल में ही रखो जहाँ पे आप रुके हुए हो, आप ज़्यादा सामान लेके मत आओ। और हाँ, आपको अभी जैसे कोविड का टाइम चल रहा है तो डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, तो आपको कोविड का या तो आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हो वो दिखाओ आप यहाँ पे, या तो फिर आप RT-PCR रिपोर्ट दिखा सकते हो और एक ID वो यहाँ पे चेक कर रहे हैं जगह जगह कंपनीज पर। जगन्नाथ टेम्पल अपने आप में एक बहुत ही मिस्ट्रिकल है, क्योंकि बहुत सारी मिस्ट्रीज आज भी है इससे रिलेटेड, जिसका साइंस के पास भी कोई आंसर नहीं है, एंड इवन साइंस इज नॉट एबल टू डिफाई ऑल ऑफ देम। सो लेट मी टेल यू वन बाय वन। सो एक यहाँ पे एक ये मिस्ट्री है, ये जो मंदिर है वो सी के पास में ही है और सी शोर पे है, और ये जो मंदिर है उसके लिए एक सिंह द्वार है यहाँ पे, जिसका मतलब ये माना जाता है कि जब भी आप यहाँ पे जाते हो तो आपको सिंह द्वार से जाना चाहिए आपको। तो जैसे ही आप सिंह द्वार के अंदर जाते हो तो वैसे ही आपको सी वेव्स के कोच भी साउंड वगैरह कुछ सुनाई नहीं देता है, लेकिन आप बाहर आते हो तो आपको सरप्राइजिंगली सी वेव्स के आपको साउंड सुनाई देता है, लेकिन जैसे आप इसके अंदर जाते हो आपको बिल्कुल भी साउंड सुनाई नहीं देता है। सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी सरप्राइजिंग। एंड एक चीज और ये भी है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जिसका साइंस के पास आज तक कोई आंसर नहीं है। यूजुअली क्या होता है कि अगर कोई फ्लैग है वो हमेशा विंड के डायरेक्शन में वो लहराएगा या व्हाटएवर, लेकिन यहाँ पे जो मंदिर के ऊपर जो फ्लैग है वो हमेशा विंड के ऑपोजिट डायरेक्शन में ही आपको दिखेगा उठते हुए। सो दिस इज वेरी स्ट्रेंज। और यहाँ पे वो जो फ्लैग है वो एक मंदिर का ही एक पंडित, एक पुजारी, वो रोज ऊपर चढ़ के बदलते हैं, और ये सालों से यहाँ पे चला आ रहा है। अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट दिस टेम्पल इज कि यहाँ पे ये जो मंदिर है इसका कोई शैडो नहीं दिखता दिन के टाइम पे। आप कोई भी मंदिर जाओगे वहाँ पे उसका एक शैडो फिगर आपको दिखेगा दिन के टाइम पे, राइट, लेकिन इस मंदिर का कोई शैडो नहीं दिखता। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि इसका जो कलिंग आर्किटेक्चर में ये बना हुआ है इसकी वजह से भी ये पॉसिबल है कि इसका कोई शैडो नहीं दिखता है। एंड एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट कि ये जो मंदिर है इसके ऊपर ना तो कोई प्लेन्स, ना कोई बर्ड, आपको कुछ नहीं दिखेगा। यूजुअली ऐसा होता नहीं है, बाकी सब मंदिरों में आपको ये सब देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। और मंदिर के ऊपर एक चक्र लगा हुआ है जिसको सुदर्शन चक्र कहा जाता है, तो आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ आपको ये चक्र एक ही जैसा लगेगा, लाइक हर डायरेक्शन में आपको अपनी तरफ ही फेस करता हुआ दिखेगा। एंड अगर आप जगन्नाथपुरी और आप यहाँ का महाप्रसाद ना खाओ वो तो फिर पॉसिबल ही नहीं। आप यहाँ पे आओ तो यहाँ का महाप्रसाद बहुत फेमस है, और
यहाँ का महाप्रसाद जो होता है वो कहते हैं कि आपको ज़मीन पे बैठ के, चाहे आप होटल में हो चाहे मंदिर में हो, ज़मीन में बैठ के केले के पत्ते पे आपको खाना होता है। और ये जो महाप्रसाद बनता है ये मंदिर की एक, मंदिर में ही एक किचन है जो बहुत, इंडिया की बहुत बड़ी किचन बोली जाती है, उस किचन में बनता है। और यहाँ पे मिट्टी के बर्तन में ये प्रसाद बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। और इसको पकाने के लिए 7 बर्तन लिए जाते हैं जो एक के ऊपर एक ऐसे रखे जाते हैं। और सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि जो सबसे ऊपर वाला मटका होता है उसका प्रसाद पहले पकता है, फिर उसके नीचे। और एक खास बात यह भी है कि जिस बर्तन में बनता है उसको दोबारा यूज नहीं किया जाता है, उस बर्तन को। और यहाँ पे लाखों हजारों लोग आते हैं रोज, लेकिन कभी भी ये जो महाप्रसाद है वो किसी के लिए कम नहीं पड़ता है और ना ही बाद में बचता है और बर्बाद होता है। एंड जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो भगवान जगन्नाथ जी की जो मूर्ति है वो हर 12-15 साल में बदली जाती है, और ये जो मूर्ति है वो नीम की लकड़ी से बनाई जाती है। तो हर जब भी ये बदली जाती है ना, तो एक रिचुअल होता है जिसे हम पुनर्जन्म बोलते हैं, वहाँ पे कि ये पुनर्जन्म है, हुआ है। और उस टाइम पे पूरे सिटी की, पूरी सिटी की इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती है, पावर ऑफ हो जाता है, या आप वहाँ पे भी पता कर सकते हो किसी से भी। और जो मूर्ति जो बदलता है, जो पुजारी, जो पंडित जो मूर्ति बदलता है, वो उसके आँखों में ब्लाइंड फोल्ड हो जाता है, पट्टी बांधी जाती है, उसके हाथों में ग्लव्स पहना दिए जाते हैं ताकि जब वो टच करे वो मूर्ति को, क्योंकि कहते हैं ना कि वो मूर्ति में आज भी कृष्ण जी का हार्ट है, तो वो अपने हाथ से टच नहीं कर सकता वो पंडित, तो इस वजह से उसको ग्लव्स पहना दिए जाते हैं, वो देख नहीं सकता कि वो क्या है। और अगर उसने ऐसा किया, अगर वो देखने की कोशिश की, तो फिर उसका कुछ ईयर्स में ही उसकी डेथ हो जाती है। और ये फैक्ट है, और ये आप वहाँ पे भी किसी से भी पूछ सकते हो वहाँ पे जाके। तो ये काफ़ी मिस्ट्री है इसके पीछे, और इसी वजह से काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स और बहुत लोगों ने जानने की कोशिश की कि उनको क्या फील होता है जब वो मूर्ति बदलते हैं पंडित लोग। तो उन्होंने ये बताया है कि बहुत ही सॉफ्ट सा, कुछ एक रैबिट जैसा उनको फील होता है। वो इतना क्लियरली नहीं बता सकते बिकॉज उन्होंने हाथ में ग्लव्स पहने होते हैं और आँखों पर पट्टी बांधी होती है, लेकिन एक बहुत सॉफ्ट सा जो उनके हाथ में फुदकता रहता है ऐसा लगता है। जय जगन्नाथ। मैं अशोक सिंह, हम लोग जगन्नाथपुरी के हैं, यहाँ के पंडित लोग हैं। हम लोग को यहाँ के क्या है, जो जगन्नाथ के लिए जो बोलते हैं, जब प्रभु जो होते ना, ये तीनों मूर्ति है, जगन्नाथ, बलराम, सुभद्रा, सुदर्शन, तीन भगवान के हैं। उसका आज जो सुदर्शन है, उसका सुदर्शन चक्र है। आज भगवान जो बह के आए थे समुद्र से, तीनों लकड़े अपने आप बह के आए थे पुरानी जमाने से। समुद्र से जब प्रभु जी आए थे, वही तीनों जमाने, तीनों प्रभु जी यहीं से आए थे। आजकल जो प्रभु जी को खोजने जाता है, जो 12 साल 20 साल में भगवान का जो दोनों आषाढ़ पड़ते हैं, अमावस्या संक्रांति एक ही दिन में पड़ती है, तो भगवान पंडित लोग हमारे जाते हैं जंगल के दारू खोजने पर। क्योंकि ना मंगला माता जो यहाँ से 25-30 किलोमीटर के अंदर से, तो पंडित लोग सब अध्याय पढ़ते हैं, उसी के बाद में पंडित लोग जाकर सब सपना आदर्श से दारू खोजने जाता है। दारू खोज के लाते हैं बैलगाड़ी से, गाँव को लेकर मंदिर में लेके आते हैं। इसके 15 दिन के बाद में जब भगवान को बनाते जाते हैं विश्वकर्म का आदमी, बनाने के बाद में तो भगवान को जब अमावस्या संक्रांति पड़ेगा, तो एक ही दिन रात को 12 बजे भगवान को चेंज होता है। नया भगवान को मंदिर में अभिषेक करके बैठाते हैं, पुरानी भगवान को लेके यहाँ के एक समाधि स्थल है, बैकुंठ धाम बोलते हैं, कोयली बैकुंठ, वहीं पर भगवान को 21 फुट के नीचे एक सिंहासन है, उसको मिट्टी खोल के प्रभु जी को यहीं से मिट्टी में दे देते हैं, चंदन तुलसी दे के फिर मिट्टी दबा देते हैं। फिर 12-20 साल जब जाता है, तो भगवान का लकड़ी का टुकड़ा भी नहीं मिलता है, प्रभु जी मिट्टी में लीन हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ का रहता है मर्त्य वैकुंठ रहो भाई, देवता होने से ही मरो, ये मर्त्य वैकुंठपुर है जगन्नाथ जी का। और रथ यात्रा जो होता है यहीं से शुरू होता है, 3 किलोमीटर, इसका नाम होता है जनकपुरी भगवान का। भगवान जी 9 दिन यहाँ यात्रा करते हैं, फिर वापस आते हैं फिर जगन्नाथ जी का उनके मंदिर में। यहाँ के आने के बाद में यहाँ पे सिंगार की भेष होता है, 3 क्विंटल को सुना में, तो सिंगार होने के बाद में प्रभु जी को हम पूर्णिमा का दिन पहले दिन से भगवान को अंदर में लेते हैं। लेने के बाद में लक्ष्मी माता ने दरवाजा को बंद कर देते हैं, क्योंकि ना अपना बहन को साथ में भाई बहन को लेके गया, किंतु हमको नहीं लेके गया। तो भगवान जी ने क्षमा पत्र मांगे, प्रभु जी आप लक्ष्मी माता अगली रात में आपको लेके जाएंगे, थोड़ा रसगुल्ला भोग खिला के
तो लक्ष्मी माता को छोड़ दे दरवाजा, जगन्नाथ जी उसके अंदर में घुसते हैं। इसीलिए यहाँ का रिवाज है प्रभु जी का अपना हाथ जगन्नाथ, यहाँ का मेन होता है महाप्रसाद। जगन्नाथ जी दर्शन करिए, समुद्र में नहाए तो यहाँ पे भगवान को महाप्रसाद थोड़ा मुट्ठी भर खाइए, तो खा के यहाँ का आत्मा पवित्र करो, आँखों भरी दर्शन करो, आत्मा पवित्र प्रसाद करके जाओ। इसीलिए यहाँ का रिवाज होता है अपना हाथ जगन्नाथ। बोल जगन्नाथ स्वामी की जय। और अभी हम जा रहे हैं खाजा लेने। खाजा एक स्वीट डिश होता है, यहाँ का बहुत फेमस है। और जब भी आप पूरी आओ तो यहाँ पे खाजा ज़रूर लेना। मैं जा रही हूँ एक ऐसी शॉप से लेने जहाँ पे ओरिजिनल खाजा मिलता है, तो वो हम लेके जाएंगे, वो आप स्टोर कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए।